नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेज़र करने के आए हैं। हमारे पास सैंपल्स हैं, ये देखिए ये सॉइल सैंपल्स हैं। हम लोग इसको सेटल होने के लिए रखे हुए हैं। देखिए ये वाटर सेटल हो गया है और आज हम इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मशीन के द्वारा हम लोग मेज़र करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन से इसको स्टैंडर करेंगे। ये KCl सॉल्यूशन, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये KCl सॉल्यूशन है और यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। सो जस्ट वी पुट, हम लोग इसको इसमें डालेंगे 148, द स्टैंडर्ड इज 141। सो यहाँ देखिए हम लोग इसको 141 में लेके गए। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है 0.01। उसके बाद ये है डिस्टिल वाटर, हम हियर यू कैन सी इजली 0 मीन्स डिस्टिल वाटर 0। ओके, आफ्टर दैट वाट विल डू, सॉइल का सैंपल लेंगे। ये सॉइल का सैंपल है, सॉइल का सैंपल देखिए ये नीचे प्रिसिपिटेट हो गया है और ऊपर वाले वाटर में हम इसी को कंडक्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारा इसी मेजरमेंट शुरू हो गया। ये मेजरमेंट करते वक्त इलेक्ट्रोड को मिट्टी में टच नहीं होने देना है, ये वाटर तक रखना है, ये मिट्टी में टच नहीं होना, इस इलेक्ट्रोड को मिट्टी से ऊपर वाटर तक में रखना है और हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वैल्यू देखेंगे 0.19 इसी वैल्यू इसका है। आफ्टर दैट इसके बाद डिस्टिल वाटर लेंगे, एक बीकर लेंगे और इलेक्ट्रोड को अच्छे से हम पूर्णतः रूप से क्लीन करेंगे, अच्छे से हम क्लीन करेंगे। देखिए ये 0 फिर से आ गया, मीन्स आवर एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट। ये तो आज हम लोग देखें इसी वैल्यू को कैसे नापा जाए। इसी का उपयोग सॉइल में इलेक्ट्रिक कंडक्टर का उपयोग हम लोग देखते हैं कितना साल्ट प्रेजेंट है, कितना साल्ट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो करता है, सॉल्ट के थ्रू फ्लो करता है, आयन के थ्रू फ्लो करता है। नंबर्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉइल वी मेजरमेंट थ्रू द इसी वैल्यू। थैंक यू। Sorry.